हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जितना था शायद इस दुनिया में उतना किसी के पास नहीं होगा, उतना माल अल्लाह ने उन्हें अता किया, मगर वो शुक्र के लिए रात खड़े होते तो सुबह हो जाती। अल्लाह ताला उनको दिखाकर फरिश्तों पर रश्क फरमाता था, ऐ फरिश्तों देखो मेरा बंदा, मैंने इसे सब दिया है फिर भी मेरी इबादत में कमी नहीं करता। फरिश्तों ने कहा कि मौला अगर तू इस सबसे ले लेगा तो शुक्र करेगा ये बंदा तेरा। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया अब इसे मैं आजमाइश में डालता हूँ, तुमने ये सवाल किया है कि मेरे माल सारी चीज़ें देने की वजह से ये शुक्र कर रहा है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह कहा करते थे, फिर अल्लाह तबारक ताला ने अचानक आजमाइश में इम्तिहान में ऐसा डाला इस नबी पाक को कि आंधियाँ चलें, ऐसी आंधियाँ चलें कि इनके पूरे जानवर एक साथ मर गए, सब चले गए। एक भारी नुकसान है ये, करोड़ों का नुकसान जिसका हो जाए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर मुसल्ला बिछाए और रात में अल्हम्दुलिल्लाह की तकरार शुरू करते हैं कि रब्बल आलमीन तेरा करोड़ा शुक्र एहसान है, और शुक्र बजा लाते रहे। यहाँ तक कि फिर चंद दिनों के बाद बीमारियों की वबा फैली, वो बीमारियों में ऐसा हुआ कि इनकी औलाद ये के बाद दीगरे इंतकाल करना शुरू हो गई। इनके बेटे और बेटियां जितनी थीं तकरीबन 100 औलाद इनकी सब इंतकाल कर गए। हर बेटे के इंतकाल के वक्त जब आपको ख़बर दी जाती तो यही कहते कि मेरा कुछ भी नहीं गया, रब तबारक व तआला ने दिया था और उसने वापस ले लिया, मुझे किस चीज़ का गम है। वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, इसी पर कायम रहे। जाहिर सी बात है औलाद की मोहब्बत माल की मोहब्बत फितरत में आ ही जाती है। ये बहुत कठिन मरहला होता है कि सब्र कर ले जाना, बोलने के लिए बड़ा आसान है, बोलना आसान है अमल करके दिखाना ये बहुत कठिन मरहला है। किसी की जुदाई बर्दाश्त करना ये सबके बस का बात काम नहीं। उसके बाद उनकी ये अहले खाना सारे जब दुनिया से रुखसत हो गए, कुछ भी बाकी नहीं था सिवाय आपके एक छोटे से घर के और आपकी एक वफाशियार बीवी हज़रत बीबी रहमत, उनको जमीला भी कहा गया है। हज़रत बीबी रहमत आपके साथ रहीं खिदमत करते हुए, बाकी कोई नहीं था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर चंद दिनों के बाद खुद आपको अलालत बीमारी ऐसी आई कि बुखार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इतना कि आपका जिस्म बुखार से गल गया पूरा। लेकिन उस हालत में भी आप बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पूरी रात खड़े होने की कोशिश करते, आप लकड़ी के सहारे दीवार के सहारे खड़े होते थे और गिर जाते थे रात को इबादत करते करते। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि आपके जिस्म में सब दराड़ें पड़ गई थी, गोश्त कट कट के गिरने लगा, और जब आपको सुलाया जाता फिर उठाया जाता तो आपकी चमड़ी बिस्तरे से लग जाती थी, जिस्म मुबारक में इस कदर गलन आ गई थी, यानी गल गया था बुखार की तपिश से गर्म से। इस हालत में आप सोए रहे, फिर अब खड़े होने की भी ताकत नहीं थी तो लेटे हुए अपनी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। एक दिन भी शिकायत नहीं की, एक दिन भी नहीं कहा मेरा तो सब लूट गया, मैं क्या था कैसा था कहाँ आ गया, कुछ भी नहीं। उस हालत में भी बिस्तर पर रब तबारक व ताला के शुक्र में मसरूफ है। इसीलिए तो सब्र और शुक्र ये दो चीज़ें बहुत हल्की चीज़ें हैं कहने को, लेकिन अमल में उतनी भारी हैं, बहुत भारी हैं। सब्र कर ले जाना और शुक्र कर ले जाना ये औलिया इकराम अंबिया इकराम की आला आदतों में से है। अगर किसी को लग गई ये आदतें समझ लो कि वो बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया, बहुत बड़ा मकाम हासिल किया, वरना हर एक के बस की बात है ही नहीं है। मेरे अजीज़ो सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम इसी हालत में सोए रहे सोए रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपकी जुबान कट गई, जुबान कट गई जगह जगह से, जुबान हिलती नहीं थी। इस हालत में भी उनकी वफाशियार खातून हज़रत बीबी रहमत उन्हें छोड़कर नहीं गई। उस खातून को हमारी औरतें आइडियल बना लें, नमूना बना लें। आज अगर तुम्हारा शोहर सही सलामत है, तुम्हें देख रहा है कमा रहा है,
तो उसके आगे पीछे घूम रही हो, जहां उसकी नौकरी छूटी, जहां उसकी सेहत में कमी आई, तुम फौरन शिकायतें शुरू करती हो और फिर कोशिश में ये लगी रहती है किसी भी तरह से भाग जाएं, छोड़ करके कुछ नहीं करता है। उसकी सेहतमंदी के दिनों में तो कुछ किया उसने, अगर आज उस पर कोई चीज आफतें आ गई हैं, बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ करो कि मौला इस पर आई हुई बलाएं टाल दे। अल्लाह ताला बीवी की दुआ से शोहर को सही फरमाता है, लेकिन नाशुक्री बीवियों से नहीं। और हदीस पाक में यह भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में अक्सर औरतों को देखा मेराज की रात में। सहाबा से सहाबियात उस वक्त जो मौजूद थीं हुजूर से पूछती हैं, या रसूल अल्लाह क्यों औरतें ज्यादा क्यों थी? अल्लाह के नबी फरमाते यकफुरनल अशीर, कि वो अपने शोहरों की नाशुक्री बहुत करती हैं, नाशुक्री। और हुजूर ने ये लफ्ज भी बता दिया हदीस पाक में कि जिंदगी भर उसके साथ उसका शोहर अच्छा करता है, कभी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम नहीं किया तो वो पूरे कामों को यूं कह देती है, कब तुमने मेरे साथ अच्छा किया। ये जुमला उसको जहन्नम में ले जाएगा, ये तो आदत सी बनी हुई है घरों में। मेरी बहनें, इज्जत मुआब ख़वातीन, इन तमाम चीज़ों से परहेज करो। तुम्हारी ज़ुबान जो इस तरह से बेलगाम है आज, ये दोज़ख में जाने का सबब बन सकती है। अपने शोहर के मुतालिक अल्लाह ताला ने जब ये तुम्हारा जोड़ा लिख दिया है, सब्र कर ले जाओ, बहुत बड़ा तुम्हारे लिए अजर है। जाहिर सी बात है, आज तुम्हारा शोहर जैसा भी होगा फिरौन तो नहीं होगा, फिरौन तो नहीं होगा। फिरौन हजरत आसिया को सुलाता था और उनकी हथेलियों में मेख मारता था, कीलें ठोकता था और फिर उनके सर की चोटी के बाल से छत को लटका देता था। दिन भर वो बालों से लटकी रहती थी, इस कदर जुल्म करता था सैयदा आसिया पर। किस लिए? कि वो हजरत मूसा अलैहि सलाम पर ईमान लाई थी और इसी हालत में उनको शहीद कर दिया उसने, मार करके टुकड़े करके शहीद किया सैयदा बीबी आसिया रब्बा ताला ने। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसिया को मैंने जन्नत के सबसे बुलंद मकाम में देखा। और फिर इतना ही नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मेराज की शब जिब्राइल के साथ जा रहा था, एक जगह से तेज खुशबू आई। पूछा जिब्राइल, ये किस चीज की खुशबू है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन की बीवी आसिया की कंघा करने वाली जो खातून थी, उसके यहां से खुशबू आ रही है। उसके हजरत आसिया के बालों में जो कंघा करने वाली खादिमा थी, यह उसकी कब्र की खुशबू है। फिर हजरत आसिया का हाल क्या होगा? सबर की वजह से वह अजर दिया गया। बहरहाल हजरत बीबी रहमत अय्यूब अलैहि सलाम की नेक वफाशियार खातून, ये भी ऐसी साबिरा थी, छोड़कर भागी नहीं, उस हालत में भी अपने शोहर नामदार के साथ खिदमत में लगी रही, खिदमत करती रही। जैसे भी हैं, आज गोश्त के टुकड़े कट रहे हैं इनके, बिस्तर से चमड़ी लग रही है, लेकिन है तो ये अल्लाह के नबी है मेरे शोहर, मैं आखिरी सांस तक इनके साथ रहने वाली हूँ। लेकिन इलाज के लिए दौड़ भाग भी करती थी। एक बार बाजार में एक हकीम साहब पुकार रहे थे, मेरे पास हर चीज़ का इलाज है। ये दौड़ी दौड़ी चली आई, पूछा अपने शोहर की बीमारियां सब बताई, ऐसे ऐसे मेरे शोहर की तकलीफ है, क्या उनका इलाज हो सकता है तुम्हारे पास? उस हकीम ने कहा, बिल्कुल हो जाएगा, चुटकी में मैं इलाज करूंगा। दर हकीकत वो इबलीस था, शैतान मर्दूद था, उसने ये जान बूझ करके जाल बनाया था कि आखिर वक्त वो बहुतों का ईमान छीन लेता है। कहा, ए खातून, तेरे शोहर का इलाज तो मैं कर दूंगा, उजरत क्या लोगे? कहा, उजरत मेरी कुछ भी नहीं है, मुआवजा, बस इतना कह देना कि शिफा देने वाला तू ही है, वो मुझे इतना मान ले कि मैं शिफा देने वाला हूं। औरतों को कभी कभार मोहब्बत में जब गालिब होती हैं तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, अंधाधुंध, जैसे आज भी बच्चों की मोहब्बत में औरतें बहक जाती हैं, अरे कहीं से तो इलाज हो जाए, मेरा बच्चा बच जाए, ये नहीं है ईमान। मेरा शोहर बच जाए, मैं कुछ भी कर लूं, चाहे मंदिर जाना पड़े, चाहे कहीं मुझे सर टेकना पड़े, मेरा बच्चा बच जाए, नहीं। कुफर और शिर्क करके अगर तुम किसी को बचा सकती हो तो फिर किस खाक की जिंदगी जी रहे हो? ये ना ईमान है ना इस्लाम है, यहां तुम्हारी आजमाइश है।
यहां तुम्हारा इम्तिहान है। अपनी चाहे सख्त बीमारी हो या अपने अजीजों की, हराम रास्ता तुम इख्तियार कर ही नहीं सकते, ना करो जब तक हो सके। बीमारी किसने दी तुम्हें? अल्लाह ने। और शिफा कौन देगा? अल्लाह। यह अकीदा बस काफी है, मुझे जो बीमारी पहुंची है वो अल्लाह की तरफ से आई और शिफा भी अल्लाह ही अता करेगा। इस अकीदे पर कायम रहो बस। हजरत बीबी रहमत गलत जगह पर पहुंच गई थी लेकिन अनजाने में, और उन्हें अपने शोहर की मोहब्बत थी, उनको ख्याल भी नहीं आया कि एक क्या गुमराह करने की बात किया है, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। दौड़ती दौड़ती आई, अपने शोहर से कह दिया अब आपका इलाज हो जाएगा, अब घबराइए मत, मैंने अच्छा डॉक्टर तलाश लिया है, अच्छा हकीम मिल गया है। कहा क्या, कहां से हकीम मिला? कहा बाजार में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अच्छे हकीम हैं। कहा उजरत तुम कहां से दोगी, हमारे पास तो कुछ है नहीं। कहा नहीं, वो उजरत भी नहीं लेंगे, उन्होंने इतना ही कहा है कि बीमारी सही होने के बाद आप इतना कह दें कि शिफा देने वाला तू है। जलाल में आ गए अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के आलम में। कहा ए जमीला, तुम किसी हकीम के पास नहीं, इबलीस लईन के पास गई थी। अल्लाह की कसम, सुनो अय्यूब अलैहिस्सलाम कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम अगर मैं सही हो गया तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा। बीमारी में एक ही औरत साथ रही है, कोई नहीं है, उसके बावजूद ये ईमान की आला मिसाल अगर कहीं मिलती है तो नबियों के दरबार में। उनको किसी से कोई परवाह नहीं है कि ये छोड़ेगा वो छोड़ेगा मुझे, कुछ नहीं, मखलूक से उनकी कोई परवाह ही नहीं होती। वो नबीउल्लाह थे, अल्लाह के नबी थे, उनका अकीदा तो अपने रब के साथ बड़ा मजबूत था। जाता है कोई तो जाए, मेरा मौला मुझे परवरिश करेगा। बीबी रहमत को आपने कसम खा करके कहा, तब भी वो भाग करके नहीं गई। एक तो बीमारी में तुम्हारा अच्छा करने गई और उल्टा तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो, और वो भी कसम खा लिया कि मुझे 100 कोड़े मारोगे। अगर इस जमाने में किसी खातून को कह दें तो वो पूरा बखेड़ा खड़ा कर दें, हमें खुला चाहिए, तलाक चाहिए, मजलिस बिठाओ, मीटिंग बिठाओ, बहुत सारे मामला। यहां पर एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर ईमान में मर्द मजबूत हो, अपनी औरतों के मुतालिक ये कह दे, चाहे हमारे घर में कुछ भी हो जाए, गलत रास्ते के जरिए से कोई चीज हमारे घर ना पहुंचेगी, बस इस पर आप कायम रहें, देखें फिर आपकी औलाद भी आपका घराना भी इस तरह से चलेगा कि अल्लाह तबारक व ताला सारे सालिहीन आपकी नस्ल में पैदा फरमाएगा। लेकिन हम मजबूरियों के आलम में यह सोच लेते हैं कहीं से भी आ रहा है चला लो यार, आज गुर्बत है, तंगी है, कहीं हराम का आ रहा है चला लो। बहुत सारे लोगों के घर इस तरह से तबाह बर्बाद हो गए। याद रखना, कभी तुम मालदार थे, बड़े पैसे वाले थे, जेब में हमेशा माल भरा रहता था, अचानक ऐसी बंदिश लग गई कि अब कुछ भी नहीं आता, खाल खाल फिर रहे हैं, ऐसे हालत में तुम्हारा इम्तिहान चल रहा होता है। अब तुम्हारी बीवियां अगर साबिरा हो तो कहेंगी कि छोड़ो, अच्छे दिन भी हमने देखे हैं, ये बुरे दिन भी टल जाएंगे, अल्लाह ताला फिर अच्छे दिन ले आएगा। लेकिन अगर कोई ये कहना शुरू कर दे, खाली खाली फिर रहे हो, कैसे चलेगा, जाओ कहीं से मुंह मार के ले आओ, फिर अगर वो मुंह मारने की बात आए तो किसी को धोखा दे, किसी को टोपी पहनाए, किसी को झूठ बोले, कहीं से सूद से हासिल करे, चोरी से हासिल करे, डकैती से हासिल करे, माल आया तो यहां दो की जिम्मेदारी, अगर बीवी घर में ले आई तो शोहर की जिम्मेदारी है, पूछे कि कहां से आया, पूछे नहीं, अरे कहीं से तो लेके आ रही है, कुछ तो करके ला रही है, घर चल रहा है ना। और अगर शोहर ला रहा है ऐसे तंगदस्ती के दिनों में तो औरत की जिम्मेदारी है, पूछे क्या मियां आपको काम लग गया, हलाल तरीके से माल आ गया आपके पास, क्योंकि ये वक्त ये सिचुएशन एक दूसरे का मदद का होता है, ताउन का होता है। जब गुर्बत और तंगदस्ती हमारे ऊपर छा जाए, कहीं से आमदनी के जराए नहीं नजर आ रहे हैं, तो उस वक्त दोनों की जिम्मेदारी होती एक दूसरे का ताउन करें और फिर जांच पड़ताल भी करते रहें, इतने दिन से तो सूखा सूखा था अब कहां से आ गया, कहीं कोई गलत रास्ते से तो नहीं आया, क्योंकि अच्छे दिनों में गलत रास्ते पर जाने के चांसेस कम होते हैं,
गुर्बत और तंग दस्ती में गलत रास्ते पर जाने के बहुत चांसेस होते हैं। चोर अक्सर माल से परेशान होकर के करते हैं, जिस्म का धंधा करने वाले गुर्बत से तंग आकर के करते हैं, डकैती करने वाले, अपना जिस्म बेचने वाले, ये तमाम जो गुनाह आज मंजर आम पर आते हैं, इसके पीछे अगर कोई सबब होता है तो तंग दस्ती है, गरीबी, पेट भूख इन्हें ले आती है बहुत सारे कामों में। कई ऐसे मुसलमान बच्चियां और मुसलमान बच्चे चले गए, बहुत सारे किस काम में लगे हैं, माशाल्लाह रब्बिल आलमीन। पिछले साल की बात है, मुझे एक साहब ने बताया था कि ये अपने जिस्म को बेचने के काम शुरू कर चुके हैं, कि इन्हें इसकी नुमाइश के, इसके इस्तेमाल के अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। ए मेरे अजीजों, क्या अल्लाह ताला की ये अमानत तुम्हें इस काम के लिए इस्तेमाल के लिए दिया है मौला ने, इस गलीज काम के लिए जिसमें अगर तुम्हारे ऐब रब तबारा ताला खोले तो मुआशरे में रहने के काबिल ना हो। अल्लाह ताला हमारी तंग दस्ती और गुर्बत में हमारी हिफाजत फरमाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खातून जरा गलत रास्ते, गलत हकीम के पास चली गई तो आपका जोश ईमानी तो देखो, कसम खा लिया कि अगर मैं सही हो गया तो तुझे कोड़े मारूंगा, 100 कोड़े मारूंगा। उन्होंने तोबा कर लिया, नहीं मुझसे भूल हो गई, मैं आपकी मोहब्बत में समझ ही नहीं पाई क्यों क्या कहा, खैर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी आपके जरिए से, शुक्र बजा लाई, फिर भी छोड़ करके नहीं गई। अब देखें, अब पोजीशन ये आई कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिक्र करने के लिए जो जुबान थी वो जुबान भी लड़खड़ा गई। जुबान में एक रिवायत में है कि 8 टुकड़े हुए थे, कटे हुए, बीच में से दरारें थी। अब वो जुबान हिल नहीं पा रही थी जो अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह है। ए मेरे अजीजों, इतनी बीमारी अल्लाह ने किसी को दिया आप में से, उसके बावजूद शिकायत की जुबान कितनी लंबी है हमारी। अब हजरत अय्यूब अलैहि सलाम का जुमला सुने हैं, कहते हैं, रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह ये जुर, ये तकलीफ मेरी जुबान को लग तो रही है लेकिन तू अरहमुर राहिमीन है, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। इतना ही जुमला मेरे मौला को भा गया। अल्लाह फरमाता है, फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर, हमने फौरन कबूल कर लिया और जो कुछ उसे तकलीफ पहुंची थी सब दूर कर दिया। कैसे? अल्लाह ताला फरमाता है, उरकुद बिरिजली का, ए अय्यूब अपना पैर हिलाओ, पैर जमीन पर मारो। आपने पैर जमीन पर मारा तो एक नहर उसमें से जारी हुई, एक बड़ी नहर वहां से खुल गई। अल्लाह का हुक्म हुआ, इस नहर के पानी से नहा लो। हजरत बीबी रहमत ने उन्हें नहलाया, नहा करके जैसे ही फारिग हुए तो देखा बदन से सारी बीमारियां खत्म है। अल्लाह जो बीमारी देता है वही सेहत देने पर भी कादिर है। बिल्कुल आने वाहिद में अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत कामिला मिली, तंदुरुस्ती आई। अब हशाश बशाश तबीयत के साथ थे लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, और एक पैर जमीन पर मारो। आपने दूसरा पैर जमीन पर मारा तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, आतैनाहू अहलहू व मिथलहू माहुम, हमने अय्यूब को उसकी पूरी औलाद दोबारा जिंदा करके दे दी, बल्कि उतनी ही माल और हमने उसे दे दिया जो पहले था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम आजमाइश में कामयाब हो गए, इम्तिहान में कामयाब हुए। अब रब ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों, तुम कहते थे कि मैंने इसे माल बहुत दिया इसलिए ये इबादत में रहता है, क्या तुमने देखा इसको बीमारियों की आला दर्जे तक मैंने तकलीफ दे दी फिर भी इसकी जुबान लड़खड़ाई नहीं शिकायत में, मेरे शुक्र में ही ये बंदा रात गुजारता रहा। हक अदा फरमाया सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, लेकिन अब उसके बाद की बात देखिए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कसम खाए थे बीमारी में, अब वो कोड़ा मारने के लिए बैठ भी गए। बीबी रहमत को कहा कि मैंने कसम खा लिया। कसम को मामूली मत समझें जो रोजमर्रा आप खा लेते हैं। कसम खाने के बाद अगर कोई पूरी नहीं किया तो कुरान का हुक्म सुनिए, फकफारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन,
फिर उसे 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा या फिर कपड़े पहनाने पड़ेंगे। औ किस्वतुम औ तहरीरु रकबा फमन लम यजिद फसियामु थलाथति अय्याम, और अगर 10 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता तो कसम तोड़ने के कफारे में उसे 3 रोजे रखने पड़ेंगे। यहां पता नहीं कितने लोग सुबह से शाम तक मां की कसम, बाप की कसम, उसकी कसम, इसकी कसम, ये आदत सी डाल ली है। और हदीस पाक के अल्फाज ये भी सुन लीजिए कि मुनाफिक की अलामत यह है कि वह हर बात पर कसम खाया करता है। मुनाफिक की अलामत कि वह अपने कारोबार में बेचने के लिए कसम खा करके बेचता है। ला तजअलुल्लाह उर्दतल लिअयमानिकुम, अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना ना बनाओ, अल्लाह फरमाता है। कसम खाने की जो जरूरत है वो बहुत अलग चीज है, जहां यकीनी बात कही जाती है वहां पर कसम याद की जाती है। अब सुनिए, नबी की कसम ऐसे नहीं होती कि खा लिए और छोड़ दिए, ऐसा तो चलता रहता है ना, उसको पूरा करने के लिए बैठे। अब 100 कोड़े औरत को मारेंगे तो मरी जाएगी बीबी रहमत, और इतनी वफाशियार खातून के बीमारी में भी साथ ना छोड़ी। लेकिन क्या है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कोड़े मारने की कसम खाई उसको पूरा करने बैठे ही थे कि अल्लाह ताला को रहम आया। मौला ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा है जिब्राइल जाओ, मेरा बंदा अपनी कसम पूरी करके रहेगा, क्योंकि उन्होंने कसम याद की, कसम खाया है तो ये पूरी करके रहेंगे। उनसे कह देना, खुद भी यदि का दिगतन फतरिब भी वला तहनत इन्ना वजदना हु साबिरा। अल्लाह फरमाता है अय्यूब से कहना एक झाड़ू ले ले जिसमें 100 कारियां होती हैं, एक बार बीबी रहमत को मार दे उसकी कसम पूरी हो जाए, 100 कोड़े के बराबर। ये रब तबारक व ताला है, जब वो चाहे अपने मामलात में तखफीफ और आसानी भी फरमा दें।